नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस रिवाइज रिजल्ट को लेकर, जो भी हाल ही में जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से जो अभी आपको जो सूचना आई है, जो अपडेट दी गई है, उस अपडेट पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं कि कोर्ट से क्या आदेश मिला है, किसको क्या बोला गया, पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि जो लोग भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया की पल पल की अपडेट आप सभी तक हम पहुंचाते रहें और मध्य प्रदेश नई पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी सब्जेक्ट की बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए, टॉप MPG के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट सूचना। इंपॉर्टेंट सूचना प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है एक्स सर्विसमैन के लिए कि जबलपुर हाई कोर्ट में जो अभी हाल ही में सुनवाई हुई थी, अतुल श्रीधर की बेंच के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है, तो व्यापम से कह लीजिए या फिर PHQ से कह लीजिए कि स्पष्ट शब्दों में जवाब मांगा गया है कि जो एक्स सर्विसमैन के जो पद ऑलरेडी पहले से ही पद फिक्स होते हैं, उनके कोटा जो पहले से फिक्स होता है, उस कोटा में अदर व्यक्ति कोई भी क्वालिफाइड नहीं हो सकता है। तो कोर्ट की तरफ से जवाब ये मांगा गया कि स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से जवाब ये मांगा गया है कि आप लोग हमें ये बताएं कि कितने एक्स सर्विसमैन को आपने पास किया, कितने एक्स सर्विसमैन के लिए पद थे, कितना उनका कोटा था, कितने प्रतिशत उनका आरक्षण था, ये सभी की सभी डिटेल्स मांगी गई है। तो प्यारे साथियों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, रिजल्ट अपने पक्ष में है, पॉजिटिव रिजल्ट है। तो बिल्कुल ये एक्स सर्विसमैन के लिए बड़ी खबर थी। तो बस जैसे ही इस चीज़ को जो है व्यापम सौंपेगा तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो रिवाइज होगा और सभी एक्स सर्विसमैन को 5 गुने के हिसाब से बुलाकर उनका भी फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयारी की जाएगी। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ी अपडेट थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो गर्ल्स वाला मैटर कोर्ट में चल रहा है, उनके लिए भी बता दूं कि गर्ल्स की जो सुनवाई है वो 4 मई को होगी। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है अगली सुनवाई कब होगी कोर्ट में, तो अगली सुनवाई जो है वो आपकी 4 मई को होगी। तो आप लोग 4 मई को क्या होता है उसका इंतजार करिए। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तुरंत मैं आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हो जाता हूं। तो पल पल की जानकारी लेते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की नई प्रक्रिया के लिए टॉप MPG के क्वेश्चन और सभी सब्जेक्ट की बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहें और अपना इसी तरीके से प्यार दिखाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। तो ये आज की बड़ी खबर थी जो हमने आप सभी तक पहुंचाई। बाकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी फिजिकल की डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो वो लोग अपनी फिजिकल की अच्छे से तैयारी करो, अच्छा सा अपना 100% फिजिकल दें जाके। तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ी खबर थी। और अगली जो आपकी खबर आने वाली है वो 4 मई को लड़कियों के, गर्ल्स के पक्ष में रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है कोर्ट की तरफ से। तो आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है 4 मई को। और मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी ये लगता है कि हमें क्वालिफाइड होना चाहिए था, हम नॉट क्वालिफाइड हो गए, तो वो सभी लोग अपनी RTI दाखिल करें, क्योंकि कोर्ट के संज्ञान में ये मामला आ चुका है, तो बिल्कुल रिजल्ट पॉजिटिव रहने वाला है। तो सभी लोग RTI अपनी दाखिल जरूर करें, बैलेट RTI दाखिल जरूर करें कि मध्य प्रदेश के किसी भी, कहीं भी, किसी भी जगह से आप RTI जो है वो कर सकते हैं। तो RTI जरूर करें और बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा लें और भाग लें। जिनको भी ये डाउट लगता है, केवल वही लोग, आलतू फालतू नहीं, जिनको ये लगता है कि नहीं हम क्वालिफाइड होने चाहिए थे, हमको नॉट क्वालिफाइड दिखाया है, तो वो सभी लोग अपनी RTI दाखिल करें कि रिजल्ट जो है वो कोर्ट की तरफ से जो रिजल्ट आ रहा है हम सभी के लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट है। तो उम्मीद बनाए रखें कि आपके साथ भी अच्छा होगा, तो बिल्कुल RTI जरूर दाखिल करें। और इसी के साथ में ये बहुत बड़ी अपडेट थी जो हमने आप सभी तक पहुंचाई। तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। RPM ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।